नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं क्या नया हो रहा है खेल जगत में। बीसीसीआई की ओर से लास्ट फ्राइडे यानी कि 13 को अलग अलग सीरीजों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। इसमें टेस्ट, वनडे और टी20 टीमें शामिल रही। तीनों ही प्ररूपों की किसी भी टीम में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को नहीं चुना गया। इसमें बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया और फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए शुरुआती 2 मैचों की टीम चुनी। तीनों ही टीमों से संजू सैमसन का नाम गायब रहा। संजू सैमसन को भारतीय टीम का हिस्सा न बनते देख उनके चाहने वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया। फैंस ने संजू को टीम में ना चुने जाने पर बीसीसीआई तक को ट्रोल किया। फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रिएक्शन दिए। किसी ने कहा कि संजू का फैन होना बड़ी मुश्किल की बात है, तो किसी ने संजू को टीम में ना शामिल किए जाने पर मदद आने की कोशिश की। इसी तरह से लोगों ने अपना अपना गुस्सा जाहिर किया। जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में संजू को टीम का हिस्सा बनाया गया था। उन्हें सीरीज के पहले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाया गया था। हालांकि उस मैच में वो सिर्फ 5 रनों की पारी ही खेलने में कामयाब हो पाए। इसके बाद फील्डिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और अगले दोनों मैचों के लिए वो टीम से बाहर हो गए थे। गौरतलब है कि बीसीसीआई की ओर से संजू को लेकर किसी भी तरह कोई अपडेट नहीं दिया गया। क्या वो अभी भी चोटिल है या उन्हें ना चुने जाने की कोई और वजह है, इस बात को लेकर कुछ नहीं किया गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखिए साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।